नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिनभर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में मंत्रियों को सरकारी बंगला आवंटित, तेजस्वी तेज प्रताप का पता बदला। सारण से चुनाव लड़ने पर बोली रोहिणी, विजय सिन्हा का लालू प्रसाद पर निशाना। परिवारवाद पर बोले प्रशांत किशोर, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, पप्पू यादव बोले डगरा का बैगन समझाए क्या। बिहार में कांग्रेस को फिर झटका, नित्यानंद राय ने विपक्ष को बताया लोकतंत्र का हत्यारा। सीएम हाउस का घेराव करने पहुंचे अतिथि शिक्षकों पर लाठी चार्ज। बीजेपी एमएलए से मांगी 50 लाख की रंगदारी। वैशाली में टीचर ने छात्रा से की छेड़खानी, आक्रोशितों ने काटा बवाल। और अब खबरें विस्तार से। बिहार में एनडीए की सरकार के गठन के 3 महीने के बाद नीतीश सरकार के मंत्रियों को सरकारी बंगला अलॉट किया गया है। भवन निर्माण विभाग ने मंत्रियों के बीच आवास का आवंटन किया है। ऐसे में लालू के दोनों बेटों तेजस्वी और तेज प्रताप यादव का पता बदल गया है। तेजस्वी यादव अब नेता प्रतिपक्ष वाले बंगले में शिफ्ट होंगे, जबकि तेज प्रताप यादव को भी अपना पुराना बंगला छोड़ना होगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को 5 दशरथ मार्ग वाले बंगला आवंटित किया गया है, जबकि विजय सिन्हा को 3 स्टैंड रोड का वह बंगला मिला है। तेजस्वी को 1 पोलो रोड पर बंगला आवंटित किया गया है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने मीसा भारती और रोहिणी आचार्य के साथ बाबा हरिहरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। पूर्व सीएम राबड़ी देवी भी उनके साथ थी। दोनों बेटियों के साथ लालू और राबड़ी देवी रुद्राभिषेक भी किया। इस दौरान राबड़ी देवी ने कहा कि हम लोग हमेशा बाबा हरिहरनाथ से आशीर्वाद लेने के लिए यहां आते रहते हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में छपरा से लालू की बेटी रोहिणी आचार्य यहां से चुनावी मैदान में उतर गई हैं। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव जीतने का भी बड़ा दावा ठोका है। रोहिणी ने कहा कि बदलाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं रोहिणी के सारण से चुनाव लड़ने को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जहां से लालू जी की बेटी चुनाव मैदान में होंगी, वहीं उनकी बहू भी इंतजार कर रही होंगी। उस बहू का क्या दोष था जिसको सम्मान के साथ साथ फेरे लगवा कर लाया गया है। वह हमारी बिहार की बेटी थी। उस बेटी का इस तरह से अपमान करने वाले लोग को क्या उसे क्षेत्र में वोट लेने का हक है। सारण की हर एक बहू बेटी महिला उसका हिसाब चुकता करेगी। हर बिहार की जनता इस बारे में जवाब देगी। इधर लालू की बेटियों के चुनाव लड़ने पर प्रशांत किशोर ने परिवारवाद पर हमला बोला है। पीके ने यहां तक कह दिया कि कुछ परिवारों का कब्जा हो रखा है। बीजेपी के सम्राट चौधरी, जिनके बाबूजी सकनी चौधरी कांग्रेस के समय में मंत्री थे, लालू की सरकार में मंत्री रहे, नीतीश की सरकार में मंत्री और मांझी की सरकार में भी मंत्री थे। अब भाजपा का दौर आया है तो सम्राट चौधरी को मौका मिला है। उन्होंने आम आदमी से कहा कि अगर आपके बाबूजी लालू प्रसाद यादव नहीं है, मंत्री नहीं है, विधायक नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हम उनको सलाह दे सकते हैं तो आपको भी सलाह दे सकते हैं। सीट बंटवारे के तहत भले ही पूर्णिया लोकसभा सीट आरजेडी के खाते में चली गई है और बीमा भारती को वहां से सिंबल मिल चुका है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस नेता पप्पू यादव चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं। उन्होंने लालू यादव से फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की है और कहा है कि मैं लालू यादव से कहना चाहता हूं कि मैं भी आपके घर का हिस्सा हूं। मेरा घर पूर्णिया और सीमांचल है। आपसे अनुरोध है कि अभी भी समय है, इस पर विचार करें। मुझे कोई आंख दिखाकर मेरे घर से दूर नहीं कर सकता है। मैं जात पात की राजनीति नहीं करता हूं। लोग मुझे कमजोर ना समझे। बिहार में कांग्रेस को एक और झटका मिला है। पार्टी के प्रवक्ता असीत नाथ तिवारी ने सोमवार को घोषणा करते हुए कहा कि वह कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता के साथ प्रवक्ता के पद से भी इस्तीफा देते हैं। हालांकि इसके पीछे उन्होंने अपने बयान में साफ कर दिया है कि कोई वजह नहीं है, उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर यह फैसला लिया है। उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को अपना इस्तीफा भेजा है। उसमें लिखा है कि उन्होंने व्यक्तिगत कर्म से अपना इस्तीफा दिया है। किसी नेता या कार्यकर्ता से कोई शिकायत नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं का पूरा सहयोग मिला, इन सबका तहे दिल से आभार। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय पटना पहुंचते ही विपक्ष पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या करने वाले आज लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र के हत्यारे लोग क्या बोलेंगे, वह संविधान का मतलब समझते हैं, लोकतंत्र का मतलब समझते हैं। उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि वहां सिर्फ परिवारवाद है, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं और इमरजेंसी लगाने वाले लोग हैं। जनता सब समझती है, विपक्ष के लोगों का सुपड़ा साफ होने वाला है। नित्यानंद राय ने कहा कि लोकतंत्र के सही पुजारी प्रधानमंत्री हैं।
शिक्षा विभाग ने आज से देश भर के अतिथि शिक्षकों की सेवा को समाप्त कर दिया। बेरोजगार हुए अतिथि शिक्षक सीएम आवास के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तभी पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने अतिथि शिक्षकों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। शिक्षकों का कहना है कि पहले तो नौकरी ले ली और अब लाठी से पिटवाया जा रहा है। प्रदर्शन कर रहे अतिथि शिक्षकों ने कहा कि जब प्रदेश में शिक्षकों की कमी थी तो उन लोगों से सेवा ली गई और बिहार का शैक्षणिक स्तर सुधार लिया गया, लेकिन उनकी सेवा स्थायी करने के बजाय एक झटके में उन्हें नौकरी से हटा दिया गया। बीजेपी विधायकों को फोन कर रंगदारी की डिमांड की गई। ये फोन कॉल पाकिस्तानी नंबर से आया था और लाखों की डिमांड भी की गई। पीरपैंती विधायक से रंगदारी मांगने के बाद अब बदमाशों ने कहलगांव से बीजेपी विधायक पवन यादव से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। फोन पर उनसे 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। रंगदारी के 50 लाख रुपए नहीं देने पर बदमाशों ने पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी है, जिसके बाद अब बीजेपी नेता ने पुलिस से मामले की शिकायत की है। हाजीपुर औद्योगिक थाना क्षेत्र के चौरसिया हाई स्कूल में एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि विद्यालय के शिक्षक ने छात्रा के साथ छेड़खानी की है, वहीं इसके विरोध में स्कूल के छात्र छात्राओं ने जमकर हंगामा किया। छेड़छाड़ की घटना से आक्रोशित छात्र छात्राओं ने स्कूल के पोस्टर बैनर फाड़ दिए। वहीं आरोपी शिक्षक को छात्र छात्राओं ने पकड़ लिया, जिसके बाद विद्यालय प्रशासन ने आक्रोशित छात्र छात्राओं से बचाकर आरोपी शिक्षक को कार्यालय में बंद कर दिया। इधर सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले को शांत कराया। छात्र छात्राओं का मांग है कि आरोपी शिक्षक को बर्खास्त किया जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।